अस्सलामुअलैकुम सामीन, 12 शव्वाल मुकर्रम है, 14 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है, नामवर आलिम दीन मौलाना अब्दुल खालिक मज़ाहिरी का इंतकाल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी तदफीन नमाज असर के बाद होगी इंशाअल्लाह। इस खबर के लिए सहारनपुर से ही मौलाना मुजीब साहब हमारे राबते में हैं। वो बता रहे हैं कि जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा के साबिक शेखुल हदीस हज़रत मौलाना असगर रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमंद मौलाना अब्दुल खालिक का रात तकरीबन 11:30 बजे इंतकाल हो गया है। बता दें आपकी पैदाइश 29 जून 1951 में हुई थी, इस एतबार से आपकी उम्र तकरीबन 71 साल होती है। आपकी इब्तदाई यानी शुरू की तालीम इसी मदरसा तालीमुल कुरान जामिया इस्लामिया रेडी में हुई है, फिर वहाँ से आपने सनद फजीलत मज़ाहिर उलूम से हासिल की है। आपने दरस व तदरीस के जो फ़लाइद अंजाम दिए हैं वो खादिम उलूम बागोवाली और ख़ुद मज़ाहिर उलूम में दर्स दिया है। आपने वहाँ क्या पढ़ाया है ये बड़ी अहम बात होती है। आपने मज़ाहिर उलूम में तकरीबन 20 साल तक मिशकात शरीफ, अबू दाऊद और हिदायत सालिस जैसी किताबें पढ़ाई हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितने बड़े आलिम थे। आपका जो बैत व इरशाद का ताल्लुक़ रहा है वो हज़रत मौलाना शाहब्दुल लतीफ़ देहलवी से रहा है। आपकी औलाद में 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। एक लड़के का नाम मौलाना अब्दुल हादी मज़ाहिरी है और दूसरे का नाम मौलाना आदम रब्बानी मज़ाहिरी है। थोड़ा सा और बतला देते हैं, आपने एक दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। आपकी मशहूर किताबों में औरत पर इस्लाम के एहसानात, ज़ख़ीरतुल मसाइल, तर्जुमतुल मुफ्ती, वसाइल कुरानी एजाज़, तालीमुल कुरान जैसी किताबें हैं। इनसे अंदाज़ा हो सकता है कि आप कितने नामवर आलिम दीन थे। आपने उम्र के आखिर में अपने वालिद साहब के नाम पर माद असगर कायम किया है। ये माद असगर गांव नाजिरपुरा ज़िला सहारनपुर यूपी में कायम किया है और मदरसे का पूरा नाम है मरकज़ुल उलूम शरिया वल असरिया माद असगर। इस नाम से आपने इदारा कायम किया है जो माशाल्लाह अपना इल्मी सफ़र तय कर रहा है। बहरहाल आज इतना बड़ा आलिम दीन हमारे दरमियान से रुखसत हो गया है, जिसके लिए बहुत बड़े इलाके में गम का माहौल है, क्योंकि आपके हज़ारों शागिर्दान रशीद हैं। बहरहाल आपकी जो तदफीन होगी वो नमाज असर के बाद होगी और वहीं गांव नाजिरपुरा में जो आपका दीनी इदारा है उसे की इहाते में, इहाते कब्रिस्तान अलग है, वहीं आपकी इंशाअल्लाह तदफीन होगी। हमारी दरख्वास्त है कि आप सब हजरत के लिए दुआए मगफिरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ करें और पसमानगान के लिए सब्र जमील की दुआ करें। एक बार हम फिर इस मुकम्मल तफसील के लिए मौलाना मुजीब साहब के नियाती शुक्रगुजार हैं। गैर औलत मालूम होती है, इस वजह से हमारी बड़ी दुश्मन की रौनक और हमारी बड़ी दुश्मन को जीवन के पक्ष में आई था महत्व किया गया। इस कार्यारा थी, कोई मौका ऐसा नहीं हुआ कि उसमें हजर के यहाँ पर तस्वीर से आया हो, 13 साल का अक्सर हो गया, मतलब से मौका उम्र हुए मौसम ने भी अच्छा कायम किया है, मौसम जी भी अच्छा के अच्छे महसा आ गए हैं। आयु हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, एक खाना महसूस हो रहा है और एक कमी महसूस हो रही है, लेकिन क्या किया जाए, ये हजारों कुदरत है। अल्लाह जल्द इशारा हो गया हमें उसकी किसी के लिए नहीं रखी है। वो आज हम उसी जुदा हो गए हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा नहीं है, नसीब फरमाया, लेकिन वहाँ से मदरसे से तश्री फरमा है। बिरादर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद शासिम साहब मतलबी और जनाब मौलाना जमशेद अली साहब मतलबी ताजपुरा के सबसे मोहतरम है, क्या क्या इस्लामिया के और तश्री फरमा है। मैं समझता हूँ कि वो तश्री लाए और ला करके हमको शुक्र सुकून मिले, फरमाया सुनाए जिससे हमारा काम हल्का हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ मौलाना जमशेद अली साहब